अभी ना कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी दंगलान, जिसे नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पे रिलीज़ नहीं होने दिया और कुछ गिने चुने जगह में थी। हमारे रायपुर में भी शायद दो ही जगह में थी जहाँ मल्टीप्लेक्स में उसको शो नहीं मिला, छोटे मोटे थिएटर में थी वो। तो अनफॉर्चुनेट मैं उस समय देख नहीं पाया, बट जिस क्रेज़ था जब मूवी निकला तो काफ़ी अच्छा क्रेज़ था। बट बाद में मैंने उसे यूट्यूब में देखा, एंड यूट्यूब में देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मूवी वाकई कमाल की है यार। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि समाज के लोगों को आप सच्चाई और अपने इतिहास से कुछ अवगत कराओ। उसमें जो मेन मुद्दा तो ये कि कोलार गोल्डफील्ड का जो गोल्ड है उसी के ऊपर आधारित है, बट लास्ट में थोड़ा सा मोहमाया ये सब दिखा दिया गया, जो पुनर्जन्म वगैरह। बट रियलिटी पिक्चर में ही दिखाया गया कि जब छोटे जात के लोग जिस समय, आई मीन सो कॉल्ड, यही तो लोग मानते थे ना, जब हम खेतीबाड़ी करते थे तो किस तरीके से उन्हें बर्बाद किया जाता था, छोटे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। जब बेचारा धान वान करे काटेगा और खेत में रखेगा, रात को जला दिया जाता था, और अगले दिन जमींदार आके बैठ जाता था कि तू इतना धान किया, इतने का टैक्स दे, जब है नहीं तो देगा कहाँ। लास्ट ऑप्शन नहीं बचेगा कि तुम हमारे इसी खेत में मजदूरी करो। एक खेत का पूरा कागज़ जमींदार ले लेता था और उसी को खेत में उसको मजदूर की तरह इस्तेमाल करता था और पूरा फसल लेके जाता था, और खाने को क्या देता था, जो बचा खुचा टूटा वूटा धान ये सब देते थे। मतलब आदमी अपनी खेत में खुद मेहनत करे, फसल उगाए और सब दूसरे को दे, और खाए भी बचा खुचा जो खाने के लायक ना। इस तरीके से जो है लोगों को दबा के रखा गया था पहले। देन ब्रिटिश तो उस टाइम भी थे, ब्रिटिश के जाने के बाद जब संविधान बना तब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, तभी संविधान में सबको बराबर हक मिलना संविधान की वजह से। बट आज भी कुछ जगहों में है जो ये सब जात पात ऊंच नीच वगैरह चल रहे हैं। असली वजह ये कि एक पीढ़ी को जो है, मतलब एक वर्ग को लोग आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अभी जब वही वर्ग आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को तो दिक्कत होगी, खास करके पॉलिटिशियन लोगों को, क्योंकि लोग समझदार हो जाएंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा। बट एक अच्छी मूवी थी, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी मैं इसका धार्मिक रास्ता भी बता सकता हूँ, बट मैं उस चीज़ पर चर्चा करना नहीं चाहता। बट यही एक रियलिटी के पहले जमींदार लोग कैसे थे वो पिक्चर में दिखाई गया है।